मौजूद है सलामे हिंद फाउंडेशन जो कि नरगिस दत्त नगर में आग लगने के बाद एक बड़ा हादसा होने के बाद पहली बात तो ये यहाँ के रहवासी भी है और उसके साथ साथ इन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की यहाँ पर आग लगने के टाइम भी और लगने के बाद भी। आइए बात करते हैं सलामे हिंद फाउंडेशन के शौकत जी से। बताइए आग लगने के बाद आपने किस तरह से लोगों की मदद की थी? जब यहाँ पर आग लगी थी ट्यूजडे वाले दिन हम लोग सब यहाँ ही थे और हम लोग यहाँ पर जो भी लोग अंदर जो भी लोग यहाँ पे जो भी आग का कम था पानी था ये सब सारी चीज़ें हम लोग अंदर जाके चीज़ें कर रहे थे और हम लोग यहाँ पे कपड़े वगैरह चाय वगैरह कंबल वगैरह सारी चीज़ें हम लोग बांटे हैं ये सारी चीज़ें। पर हमारे जो सहयोगी हमारे जितने टीम है वो टीम ने सब हमारा साथ दे के ये जो चीज़ है ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है जो आ रही है कुछ ना कुछ बांट के कुछ ना कुछ कर रही है पर हम लोग जो नरगिस नगर सलामे हिंद फाउंडेशन से हम लोग एकदम जो भी पब्लिक को जो लग रहा है जो हम लोग को लग रहा है कि ऐसा पब्लिक को चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें पब्लिक तक पहुँचा रहे। अभी भी हम लोग अंदर घुसे थे और सारी चीज़ें देखे क्या यहाँ पे ऐसी चीज़ की कमी है तो हम लोग दुकान में खाना वगैरह ये सारी चीज़ें बांटने का एक वो प्रयत्न किया और ये सारी चीज़ें पहुँची। यहाँ पे कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई क्रिश्चन कोई कुछ नहीं है हम लोग अपने हिसाब से सारी चीज़ें का जो भी हो सकता है यहाँ की पब्लिक के लिए जो हमारे से हो सकता है वो चीज़ हम सारी चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पे। अली जी आप बताइए आपने किस तरह से यहाँ पर लोगों की मदद की? जिस दिन फायर हुआ था मैं और मेरी टीम ने सबसे पहला यहाँ का ये साइड का जो गली था जिसमें 8 से 10 दरवाजे का ताला नरगिस दत्त नगर में ताला तोड़ा पहला गैस सिलेंडर हमने बाहर निकाला और मैं मेरी टीम लेके ऊपर हमने चढ़ा जितना हम लोग से हो सका उतना हम लोग ने ना मतलब उसको बुझाया और फायर ब्रिगेड मुंबई पुलिस ने हमारा बहुत हेल्प किया और जितना हमसे हुआ हमारी टीम से हमने उतना हेल्प किया लोगों का। मैं भी यहीं पर पैदा हुआ हूँ और जो करीब मैंने बोल के तो 50 से 60 झोपड़े तक जल चुके कुछ जख्मी हुए और जितना हम लोगों ने चादर आग लगने की वजह क्या थी? आग लगी आग ऐसा कुछ अभी तक मालूम नहीं पड़ा लेकिन कोई बोल रहा कि वाट से हुआ है अब वो पता नहीं पर अभी तक कुछ मालूम नहीं हुआ कुछ लोग घायल हो गया जितना हमारी सलामे हिंद फाउंडेशन की टीम से हुआ उतना हम लोग ने किया। आगे आप लोग किस तरह से लोगों की मदद करोगे? आगे जितना हो सके हम लोग ने जितने अल्लाह ने हमारी ताकत दिया है वो सारी चीज़ें हम हमारी ताकत लगा के यहाँ के लोगों का भला करेंगे और इंशाल्लाह जो भी हमारे से हो सका हमारी कौम के लिए और हमारे जितने भी अंदर लोग हैं जो मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है सारे लोगों के लिए हम कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू।